नमस्कार दोस्तों, A3 हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे पास है आज नोकिया 1 एंड्रॉइड गो एडिशन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला ये डिवाइस है और अप्रैल से यानी कि आज से इस फोन की हो चुकी है बिक्री शुरू। मार्केट से आप इस डिवाइस को लगभग 5500 रुपए में परचेज कर सकते हो। तो बात करें सबसे पहले बॉक्स की, तो ये कुछ डिजाइन बने हुए हैं और यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो एंड्रॉइड 8.1 ओरियो गो एडिशन, इसके अलावा 4.5 इंच का FWVGA डिस्प्ले आपको मिलेगा। IPS डिस्प्ले है जिसका PPI है 218। तो PPI लो है क्योंकि फोन का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ सारे स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा मीडिया टेक का MT6737M प्रोसेसर, जो है एक 1.1 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ माली T720 GPU, 8GB की इंटरनल मेमोरी यहाँ आपको मिलेगी, 1GB की मिलेगी आपको रैम, और SD कार्ड में आप 128GB तक का मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। 5 मेगापिक्सल का रेयर और 2 मेगापिक्सल का है फ्रंट कैमरा। एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, दो आपको सेंसर मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ मिलेगी आपको 2150 एमएएच की बैटरी, जो कि फोन की रेंज और डिस्प्ले के हिसाब से मुझे लगता है ठीक ठाक है। इसके अलावा आपको यहाँ मिल जाएगा बैक कवर चेंज करने का ऑप्शन। नोकिया ऑफिशियली मार्केट में नोकिया 1 के बैक कवर भी सेल करेगा। तो नोकिया 1 का बॉक्स हो चुका है अनबॉक्स और बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे कुछ पेपर वर्क्स। एक केबल मिलेगी आपको USB टू माइक्रो USB अपने फोन को चार्ज करने के लिए या फिर किसी लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करने के लिए। एडेप्टर मिलता है आपको 5 वोल्ट एंड 1 एम्पियर का। इसके अलावा आपको मिलती है 2150 एमएएच की बैटरी और यहाँ आपको मिलेगा एक ये हेडफोन। तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको बॉक्स के अंदर। अब चलिए वापस आते हैं अपने नोकिया 1 पर। तो सबसे पहले बात करते हैं नोकिया 1 के डिजाइन के बारे में। तो भाई डिजाइन इस बार कुछ नया है, मतलब नोकिया 1 जब आप खरीदोगे तो लगेगा कि वास्तव में आपने कोई नया फोन या नई डिजाइन का फोन परचेज किया है। वैसे देखने में ये किसी प्लास्टिक के खिलौने जैसा भी लगता है, पर डिजाइन इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। डुअल पार्ट के साथ ही आता है जहां पर आप बैटरी अलग से लगा सकते हो, यानी यूनि बॉडी डिवाइस नहीं है, और दोनों सिम और मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर सकते हो, यानी हाइब्रिड डुअल ये नहीं है। डिजाइन की बात करें तो फ्रंट के टॉप पर आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरा, इसके अलावा कॉलिंग स्पीकर, थोड़ा सा नीचे आपको नोकिया का लोगो। तो वही बॉटम पार्ट पे फ्रंट के यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। डिवाइस के बॉटम पार्ट की बात करें तो यहाँ आपको माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। तो लेफ्ट साइड पे यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। फ्रंट पर यानी टॉप पर आपको मिलेगा 3.5 mm का हेडफोन जैक। तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगी पावर की और वॉल्यूम कंट्रोल्स की। ओवरऑल 4.5 इंच का एक छोटा सा डिवाइस, सिंगल हैंड से आप बड़े आराम से इसे यूज कर सकते हो। प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है जहां ये आप बैक कवर मार्केट से अलग परचेज कर सकते हो, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो भाई डिजाइन भी ठीक ठाक है। और तो ये है नोकिया 1 की UI का फर्स्ट लुक, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ नोकिया 1 रन करता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1.0 ओरियो पर, और ये मिलता है आपको गो एडिशन के साथ। गो एडिशन रेगुलर एंड्रॉइड का ही एक स्मॉल वर्जन है और इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, तब भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 1 के नाम से लॉन्च किया गया था। कुछ एक डिवाइस आए थे लेकिन उसके बाद एंड्रॉइड 1 कहां गया पता नहीं चला, और उसके बाद अब ये गो एडिशन के नाम से दोबारा मार्केट में आया है। गूगल का ये मानना है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी डिवाइस रन करते हैं, अगर उनमें अच्छा हार्डवेयर नहीं है उसके बावजूद भी ये फोन आपको अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, लैग नहीं होंगे, हैंग नहीं होंगे, यानी कि बहुत अच्छा हार्डवेयर इनके लिए नहीं चाहिए। इनके लिए जो एप्लीकेशन भी डेवलप किए गए हैं गूगल के, वो भी कुछ इस तरीके से डेवलप किए गए हैं कि वो लो हार्डवेयर पर भी आपको सारे फीचर्स प्रोवाइड करा दें, इसके अलावा वो लैग भी ना हो। तो ये सारी चीजें थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बात करें अगर अवेलेबल स्टोरेज की, तो नॉर्मली जितने भी फोन 8GB इंटरनल मेमोरी के साथ आते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो वहां यूज करने के लिए आपको मिलता है 4GB डेटा, क्योंकि 4GB ऑलरेडी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम घेर लेता है 8GB में से। लेकिन यहां 8GB इंटरनल मेमोरी के साथ आने वाले इस फोन में गो एडिशन ने केवल 2.95GB यानी 3GB डाटा यूज किया है, और 5GB डाटा आपको यूज करने के लिए मिलेगा 8GB में से। इसके अलावा बात करें कुछ स्पेशल फीचर्स की, तो दो बार पावर की प्रेस करके आप क्विकली अपना कैमरा लॉन्च कर सकते हो। इसके अलावा ये तीन बटन्स भी आपको दिख रहे होंगे, बैक की, होम की एंड टास्क मैनेजर की, जो कि आपको स्क्रीन पर ही मिलेंगे। क्विक एक्सेस पैनल की बात करें, डू नॉट डिस्टर्ब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बैटरी सेवर भी यहां दिया गया है, और इस स्क्रीन पर, इस आइकॉन पर टैप करने के बाद आप अपने फोन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें थी एंड्रॉइड के इस नोकिया 1 के बारे में, गो एडिशन के बारे में। एप्लीकेशंस की बात करो तो यहाँ आपको एप्लीकेशन भी गो एडिशन के अलग मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंड्रॉइड। इसके अलावा एंड्रॉइड के इस गो एडिशन के लिए गूगल ने अपने एप्लीकेशन भी अलग तरीके से डेवलप किए हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्मल असिस्टेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा गो असिस्टेंट। इसके अलावा फाइल्स गो मिलेगा, जीमेल का भी गो एडिशन मिलेगा, मैप का भी गो एडिशन मिलेगा, इसके अलावा यूट्यूब का भी गो एडिशन मिलेगा। इसके अलावा बात करें अगर कैमरा सेटिंग्स की, तो यहाँ आपको पैनोरामा मोड दिया गया है, ब्यूटी इफेक्ट दिया गया है, इसके अलावा मैनुअल मोड भी यहाँ आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा बात करें अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यहाँ आपको टाइम लैप्स वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा रिजोल्यूशन की बात करें तो रियर कैमरे से आप HD तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट कैमरे से HD तक की। तो ये सारी चीजें थी नोकिया वन के बारे में। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर फोन की बात करें तो भाई अगर MI जैसे फोन से कंपेयर करेंगे आप तो भाई वहां तो नोकिया वन बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि वहां आपको 6,000 रुपए में 3 GB की रैम मिलती है, कमाल का कैमरा मिलता है, सेल्फी के लिए भी बढ़िया मिलता है, हार्डवेयर भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर इसे कंपेयर करें हम सैमसंग से तो सैमसंग का जो J2 फोन है उसके मुकाबले नोकिया वन महंगा नहीं लगता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, J2 के साथ आपको डिस्प्ले मिलता है कमाल का सुपर एमोलेड, लेकिन नोकिया वन की डिस्प्ले का जो फर्स्ट इंप्रेशन अभी तक रहा है और जैसा कि डिस्प्ले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना अच्छा डिस्प्ले आपको यहां नोकिया वन के साथ नहीं मिलेगा। तो जल्दी मैं J2 और नोकिया वन का फुल कंपेरिजन भी डालूंगा और नोकिया वन का फुल रिव्यू भी डालूंगा कि क्या ये 6,500 रुपए में लेने लायक है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।